नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके बीच एक आज ऐसा मामला लेकर जो शासन और प्रशासन के बड़े बड़े दावे की पोल खोल देगा। जी हाँ, मामला है पत्रकार के ऊपर अभद्रता का। पत्रकार के ऊपर हुए अभद्रता मामले में शासन प्रशासन गहरी नींद सो रहा है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों के हित की बात करते हैं, तो वहीं पत्रकार पर आए दिन जानलेवा हमला हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कभी गाजियाबाद में तो कभी कानपुर में पत्रकारों पर हमला होता रहा है, ऐसा ही प्रदेश में मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर पत्रकार किसी दबंग के खिलाफ कुछ सच्चाई छाप देता है तो पत्रकारों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। प्रदेश में लगभग पत्रकारों को संबंधित रोज दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा ही ताजा मामला बदायूं से है, जहां जिला अस्पताल में खबर बनाने गए पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। जी हां, पूरा मामला बदायूं जिले का है, जहां फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार रामानंद ने जब जिला अस्पताल में जांच को आई टीम से अस्पताल प्रांगण में गंदगी के बारे और जिला अस्पताल में जांच को आई टीम से अस्पताल प्रांगण में गंदगी के अंबार व शौचालय में गंदगी को लेकर जब पत्रकार ने जांच टीम से बात करनी चाही, तो अस्पताल में तैनात सीएमएस विजय बहादुर व डॉक्टर राजेश वर्मा ने पत्रकार से वार्ता करने से मना कर दिया और पत्रकार को धमकाने लगे। पत्रकार रामानंद जैसे ही दोबारा सवाल पूछा, जैसे ही सवाल पूछ पाते कि डॉक्टर राजेश वर्मा ने उनको धक्का दे दिया और चैनल की माइक तोड़ दी। जब पत्रकार ने इसका विरोध किया तो सीएमएस व डॉक्टर राजेश वर्मा व उनके साथी स्वास्थ्य कर्मियों ने पत्रकार को बेरहमी से पीटा, जिसकी लाइव तस्वीरें अस्पताल में लगे कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेश वर्मा का भाजपा के विधायक व मंत्रियों से अच्छा संबंध है, इसलिए आए दिन गुंडई के बल पर जिला अस्पताल में तैनात। रोड किनारे भाजपा के विधायकों व मंत्रियों के साथ बैनर लगवाते हैं, मानो अगली पारी राजनीति की है। एक नजर पोल पर लगे विज्ञापन की तरफ आपको दिखाता हूं। तो आपने देखा, नौकरी के नाम पर केवल खाना पूर्ति करते हैं डॉक्टर साहब, हनक इतनी कि इनका कोई कुछ नहीं कर पाता। पत्रकार ने उक्त डॉक्टर राजेश वर्मा व सीएमएस विजय बहादुर के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आइए सुनते हैं पीड़ित पत्रकार की पीड़ा। और फास्ट न्यूज इंडिया से प्रेस रिपोर्टर हूँ, और मैं कल कवरेज करने के लिए जिला अस्पताल पुरुष बदायूं में गया हुआ था। वहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी की टीम बरेली से आई हुई थी, और वहाँ जैसे ही मैं कवरेज करने के लिए पहुँचा तो साफ़ सफाई के बारे में वो लोग जानकारी ले रहे थे, और मैंने वहाँ पर देखा कि वो लोग टॉयलेट के अंदर गए हुए थे। और मैंने अपनी वीडियो जैसे ही चालू करी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा, सर अगर आपको, आप पत्रकार साहब हैं, आप चाहें तो आप वीडियो बना सकते हैं, हमसे कुछ पूछताछ भी कर सकते हैं। तो मैंने बाहर देखता हूँ कि मैं टॉयलेट के अंदर से, उसका स्वास्थ्यकर्मी जो टीम थी वो टॉयलेट के अंदर से निकली, जो कि आपातकालीन जो इमरजेंसी वार्ड है उसके बराबर में एक टॉयलेट है, वहाँ पर सीएमएस के साथ में टीम जो निकली, और मैंने सीएमएस साहब से पूछने की कोशिश की कि सर आप साफ़ सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या ड्रामा है, ये पीछे हटो, पीछे हट के बात करो, ये क्या ड्रामा है, ये क्या, ये मीडिया पीडिया। तो मैंने, सर आप मीडिया को नहीं जानते, मैं एक प्रेस से हूँ, मैं फास्ट न्यूज इंडिया का रिपोर्टर हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या मीडिया, क्या ड्रामा है, हटो, पीछे हटो, ये मैं इस तरीके से, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मीडिया पीडिया, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। सर मैं ऐसे कहते हुए वो आगे बढ़ गए, मेरी बात को उन्होंने नहीं सुना। मैं धीरे धीरे उनके साथ चलने की कोशिश की, वो जाके अपने ऑफिस में पहुँच गए।
मैं उनके साथ जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने सर से इतना पूछा था, CMS साहब जो विजय बहादुर जी हैं, मैंने उनसे इतना पूछा था कि सर आप साफ़ सफाई के बारे में, जिला अस्पताल में जो साफ़ सफाई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये मैंने आपसे मना कर दिया कि आप ये तामझाम लेके अपने भाग जाओ यहाँ से, मैं किसी मीडिया को नहीं मानता हूँ। तो वहाँ पर और वो मुझसे अभद्र व्यवहार भी करने लगे, गाली गलौज भी देने लगे। मैंने उनको रोकने की कोशिश की कि आप सर गाली क्यों दे रहे हैं, सर मैंने आपसे कोई ऐसी अभद्र व्यवहार नहीं किया, मैं सिर्फ साफ़ सफाई के बारे में पूछ रहा हूँ। तो वहाँ पहले से ही मौजूद डॉक्टर राजेश वर्मा जी, जो कि जिला अस्पताल में बहुत दबंगई से काम करते हैं, और उनकी बहुत सारी घटनाएं मारपीट की हो भी चुकी हैं, इससे पहले लगभग 25 घटनाएं जो है हो चुकी हैं। वो सबके साथ मारपीट करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, वो किसी को कुछ नहीं करते, और ना तो शासन ना प्रशासन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करता है। तो उन्होंने तुरंत उठने के बाद मेरा गलेमान पकड़ा, पकड़ने के बाद मैं तुरंत ऑफिस से बाहर, बोले बाहर चलो मैं अभी बताता हूँ तुम्हारे लिए। जब मैं ऑफिस के बाहर गया, उन्होंने गलेमान पकड़ के मुझसे कहा कि आप जो है CMS साहब के अभद्र व्यवहार कर रहे थे, CMS साहब के साथ आप बताओ, मैं जो है मैं अभी बताऊँ तुम्हें समझाऊँ। तो मैंने कहा सर मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही उनके साथ में, और आप जो है आप मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। तो इतने में उन्होंने क्या करा, गलेमान पकड़ के बोले अंदर चलो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। मैंने जब पीछे भागने की कोशिश की, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मारना चालू कर दिया, मुझे लात घूंसों से बहुत बुरी तरीके से मारा, और मेरे साथ में जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गंदी गंदी गालियों के साथ में मुझे लात घूंसों से उन्होंने बहुत मारा। उसके बाद में उनकी पूरी टीम मेरे ऊपर हावी हो गई, मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचा के मैं भागा फील्ड में, CMS ऑफिस के जस्ट सामने फील्ड है, वहाँ पर जैसे ही मैं भागा, भागने के बाद पूरी टीम मेरे ऊपर हावी हो गई उनके साथ में, राजेश वर्मा जी के साथ में। वो इस प्रकार से दबंग हैं, दबंगई के साथ डॉक्टरी करते हैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, कि मैं वहाँ पर भागा, मुझे फिर पकड़ लिया गया, फिर बुरी तरीके से लात घूंसों से मारा, मेरी मायकाड़ी तोड़ दी गई जो कि फास्ट न्यूज इंडिया की है, मोबाइल भी तोड़ दिया गया। आपने पुलिस में इसकी शिकायत की? सर मैंने इसकी तहरीर जो है थाना कोतवाली बदायूं में दी है सर, और उन्होंने तहरीर को लेते हुए अपने क्या कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई हुई? सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो बस झूठी बस दिलासा दिए हुए हैं। आप यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पर आए थे, किस लिए आए थे? सर मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपने आप यहाँ किस लिए उपस्थित हो सर? मैं अपनी फास्ट न्यूज इंडिया की पूरी टीम के साथ में मैं जिला पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक महोदय के यहाँ पर ज्ञापन देने आया था, और मैं उक्त जो है दबंग डॉक्टर राजेश वर्मा के खिलाफ व उनकी टीम के साथ में सख्त सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें सर। तो आपने पीड़ित पत्रकार की पीड़ा को सुना, अब दिखाते हैं पत्रकार के ऊपर हुए जानलेवा हमले की निंदा करते हुए जिले के तमाम पत्रकारों ने एक साथ एकत्रित होकर SSP को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, और डॉक्टर राजेश वर्मा व CMS विजय बहादुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन डॉक्टर की हनक इतनी कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद जब फास्ट न्यूज इंडिया के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बदायूं राहुल गुप्ता ने फोन पर कोतवाली थाना अध्यक्ष से बात, हाँ जी गुप्ता जी बताओ। जयंत सर, राहुल गुप्ता बात कर रहा हूँ फास्ट न्यूज इंडिया से। ऐसा है कि ये लोग जो मना कर रहे हैं प्रोवाइड इंडिया में जो है फोटो वगैरह खींच रहे थे, उन्होंने मात्र बाहर निकाला, ये जानकारी हम लोगों ने जांच से पता लगाया है जी जी, और इसको ये बड़ा चढ़ा के पैकेज दे रहे हैं। तो मेडिकल और काउंसिल इंडिया में उन्होंने भी लिया है, उनका डॉक्टर या हॉस्पिटल के लिए बहुत पूरा यूपी लेवल पर इंडिया लेवल में इसके दौर से हम लोग उनके खिलाफ एकदम हम कार्रवाई नहीं कर सकते, आप हमसे खुलवाना चाह रहे हैं। शिक्षा अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरी बात है जी, ये पूरा प्रकरण उसका अधिकारियों को, जो डॉक्टरों का और उनका जो प्रोटोकॉल होता है मीडिया का, उससे मिल जुल के ये कोई फोटो या कोई सूचना लेना चाहते तो उन्हें लेना चाहिए जी। मेरी कोई बात है तो मैंने CMS साहब से बात कर ली है, जिन्हें बताया हल्का इंचार्ज है जो जांच कर रहे हैं, तो मैं ही स्वयं करके जांच करके आया CMS साहब से, तो हमने मात्र उनसे कहा है कोई मारपीट नहीं किया, कैमरा हमने कहा भाई बाहर निकल जाएगा, हमने अपने बच्चे जो प्रोवाइड एरिया कहीं कई ऐसी जगह का फोटो और वीडियो नहीं बनाया जाता हॉस्पिटल में, किसी स्थिति में क्या इलाज करा रहे हैं। नहीं नहीं, अगर बात ग्राउंड की जाए सर, जो खुला मैदान होता है वहाँ तो फोटो खींचने का अधिकार होता है क्या? नहीं तो उनके कार्य में फोटो काल होता है, होता है तो सभी जगह तुमसे थोड़ा वो लड़ाई होती है, उनको समझा लिया कोई नहीं जा रहे हैं तो कोई थोड़ा जी
समझाइए बैठ के, जब तुमको भी जैसा ये करना और वो तो डॉक्टर भी हो तो थोड़ा होगा कोई मामला। डॉक्टरों को तहरीफ में दो हालों में मूल्यों की तरह लेके आप सामान्य की तरह लेके चले और ऑल इंडिया के हॉस्पिटल बंद हो जाए, जैसा जो चल रहा है वहीं पर खत्म हो जाए मामला, नहीं तो इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो सर सीधा कहना यही है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। कार्रवाई हमने कर तो रहे, कार्रवाई तो पहले वो मेडिकल काउंसिल में की जाएगी भाई कार्रवाई। आप क्यों कह रहे हो मना कर रहे हो, मानने के तौर पर थोड़ी होती है कुछ। जी जी ठीक है, धन्यवाद। तो उन्होंने कहा कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है लेकिन टालमटोल जारी है। अब देखना यह है कि प्रशासन डॉक्टर राजेश वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, क्या ऐसा ही टालमटोल जारी रहेगा, क्या कलम की आवाज को यूं ही पैरों तले कुचला जाएगा, आखिर कब तक मिलेगा पत्रकार को आश्वासन। हम करेंगे इस मामले पर कुछ अन्य खुलासा, तब तक के लिए हमें दें इजाजत और आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर। नमस्कार।